हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहा था जो कि कैसन CS6 एक्शन कैमरा के साथ जो एक्सटर्नल माइक एडाप्टर एंड माइक आता है, तो उस माइक को कैसे यूज करना है और उस एक्शन कैमरा के साथ जो माइक एडाप्टर आता है उस एडाप्टर को भी कैसे यूज करना है और दोनों का साउंड क्वालिटी कैसे आता है, वो सारे आप लोगों को देखना था। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कमेंट के ऊपर बना रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक एक करके जो माइक है पहले उसका साउंड क्वालिटी आप लोगों के साथ टेस्ट करवाऊँगा, उसके बाद माइक एडाप्टर के साथ मैंने एक्सटर्नल माइक लगा के और कौन सा माइक मैं लगाऊँगा वो भी मैं बताऊँगा दोस्तों। तो लगा के आप लोगों को ब्लॉगिंग के हिसाब से और मोटो ब्लॉगिंग के हिसाब से दोनों साइड से मैं साउंड क्वालिटी टेस्ट करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो गाइस, ये है एक्शन कैमरा और देख सकते हो 4K रियल EIS एक्शन कैमरा कैसन का है। तो इसी कैमरे के साथ जो माइक मिला है वो ये है, ये वाला है, और इसमें देख सकते हो कैसन का ब्रांडिंग है और माइक्रो USB पोर्ट के साथ है दोस्तों। और इस माइक का लेंथ है लगभग 1 मीटर के आसपास है। और इस कैमरे के साथ जो माइक अडाप्टर मिलता है वो ये है दोस्तों, इस टाइप का कनेक्टर के साथ। और दूसरा है यहाँ पे माइक का सिंबल है और 3.5 mm जैक के साथ। तो मैंने पहले ये वाला माइक को डायरेक्ट कैमरा में यूज़ करके आपको साउंड क्वालिटी सुनाएंगे, उसके बाद इस एडाप्टर को कैसे यूज़ करना है और इस एडाप्टर के साथ जो एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो मैं बोया का BY-M1 माइक यूज़ कर रहा हूँ। इसका लेंथ लगभग 20 मीटर के आसपास होगा और इसमें 3.5 mm जैक के साथ आता है दोस्तों। तो चलिए पहले मैं ये वाला माइक को इसमें कनेक्ट करके आप लोगों को साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। दो पोर्ट है जो SD कार्ड के बगल में है दोस्तों, ये देख सकते हो ये वाला। तो इसमें आपको लगाना है जस्ट ऐसे ही, ये हो गया माउंट एक्सटर्नल माइक। तो आप इस कैमरा को ऑन करते हैं, ऑन करने के लिए ये वाला बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा। ऑन हो चुका है और एक्सटर्नल माइक लगाने से नहीं होगा, इसका एक सेटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद दोबारा सेटिंग के आइकॉन है, इसमें जाना पड़ेगा और नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे नीचे एक ऑप्शन देख सकते हो माइक्रोफोन का, इसमें क्लिक करके इसमें एक्सटर्नल का ऑप्शन में क्लिक करना है। इनबिल्ड में क्लिक करोगे तो इस कैमरा के जो माइक है उसमें रिकॉर्ड होगा, एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप लोगों को एक्सटर्नल माइक में क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जस्ट अभी बैग आ जाना है। बैग आके मैं अभी इस कैमरा में स्विच करता हूँ, इस कैमरा में स्विच करके इस माइक का साउंड क्वालिटी कैसे है आप लोगों को टेस्ट कराता हूँ। ओके फ्रेंड्स, हो रहा है कैसन CS6 एक्शन कैमरे से शूट हो रहा है और इसमें मैंने जो एक्सटर्नल माइक यूज किया है जो इसी कैमरा के साथ जो मिलता है इसका, जिसका लेंथ है लगभग 1 मीटर के आसपास है, ये देख सकते हो। मैंने इस माइक को कैमरा के साथ कनेक्ट करके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैंने हाथ में कैमरा को पकड़ के रखा है, लगभग ये है इतना डिस्टेंस है। और किस टाइप का साउंड का आउटपुट आ रहा है इस वीडियो में वो आप लोगों को पता लग रहा होगा। तो आप लोगों को पता लग गया होगा जो कैसन CS6 एक्शन कैमरा के साथ जो एक्सटर्नल माइक मिलता है उस कैमरे का, सॉरी उस माइक का साउंड क्वालिटी कैसा है वो आप लोगों को पता लग रहा होगा। मैं अभी छत पे हूँ तो यहाँ पे इतना मतलब बाहर इतना साउंड वगैरह है ही नहीं, बिल्कुल शांत है। तो आप लोगों को इसका साउंड क्वालिटी कैसा है पता लग रहा होगा। तो इस माइक के साथ मैं मोटो ब्लॉगिंग का एक वीडियो भी इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो आप लोगों को बेटर पता लगेगा क्या इस कैमरे के साथ जो माइक आता है, एक्सटर्नल माइक आता है, उस माइक में किस टाइप का साउंड क्वालिटी आता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कैमरा से बिल्कुल मैं 1 मीटर के दूरी पर हूँ और इस माइक में किस टाइप का साउंड क्वालिटी आ रहा है वो आप लोगों को पता लग रहा होगा। तो अब मैं इसमें एक्सटर्नल जो माइक अडाप्टर मिलता है उसके साथ एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करके आप लोगों को उसका साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए शिफ्ट करता हूँ मैं एक्सटर्नल माइक अडाप्टर के साथ एक्सटर्नल माइक। ओके फ्रेंड्स, लोगों ने इस कैमरे के साथ जो ये वाला माइक आता था तो इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है आप लोगों ने सुना है। तो अब मैं इस माइक को डिसकनेक्ट करता हूँ
करके इसमें हम लगाते हैं। इस कैमरे के साथ जो माइक अडेप्टर मिलता है इसका भी प्रोसेस सेम ही है, जस्ट अब लोगों को इस कनेक्टर में इस माइक अडेप्टर को लगाना है। जैसे लग गया और इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ बोया BY-M1 माइक। तो इस कनेक्टर को बस इस कनेक्टर में इनपुट करना है। और एक जैसे आप बोया BY-M1 माइक यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक देख सकते हो दो मोड है, यहाँ पे जैसे कैमरा मोड है और स्मार्टफोन है। तो मैं जैसे कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों को इस स्विच को कैमरा मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सेट हो चुका है। अब मैं इस कैमरा को ऑन करता हूँ। कैमरा को ऑन कर चुका हूँ और इसका भी वही सेम प्रोसेस है। सेटिंग में जाके एक बार दोबारा इस सेटिंग में क्लिक करना है। क्लिक करके आपको एक बार स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे माइक्रोफोन का माइक्रोफोन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। इसमें आप लोगों को चेक करना है एक्सटर्नल माइक में है क्या। एक मेरा देख सकते हो एक्सटर्नल माइक में है, तो मैं सिंपली बाहर चला जाता हूँ। तो अब मैं इस कैमरा से और शूट करके इस माइक का आउटपुट कैसा आ रहा है इस माइक अडाप्टर के साथ, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए चलते हैं इस कैमरा में। अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ बोया BY-M1 माइक यूज़ कर रहा हूँ, और इस कैमरे के साथ जो एक्सटर्नल माइक अडाप्टर मिलता है उसके थ्रू मैं बोया BY-M1 माइक यूज़ कर रहा हूँ। ये देख सकते हो कितना सारे तार, आप लोग सभी लोगों को पता है बोया BY-M1 का तार कितना लंबा होता है। मैंने अभी हाथ में पकड़ के रखा और जैसे ब्लॉगिंग का डिस्टेंस होता है, मैंने कैमरा को भी हाथ में पकड़ के रखा, इतना डिस्टेंस में है। तो आप लोग बताइए इस कैमरे के साथ जो इसका माइक आता है कैसन CS6 एक्शन कैमरे के साथ जो कैसन का माइक आता है उसका साउंड क्वालिटी बेस्ट है, या इस माइक अडाप्टर के साथ बोया BY-M1 का साउंड क्वालिटी बेस्ट है। दोस्तों अब मैं इस कैमरा को कहीं पे रख देता हूँ। रख के मैं इस तार को जितना लेंथ है उतना लेंथ तक जाऊँगा, तो आप लोगों को वॉइस कैसा आ रहा है और कोई नॉइज़ आ रहा है क्या, वो भी आप लोग कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलो मैं इसको कहीं पर रख देता हूँ। अब देख रहे हो मैंने कैमरा को एक जगह पर रख दिया है और बोया BY-M1 का जो माइक जितना वायर है, जितना डिस्टेंस है वायर का, उस वायर के साथ जो इसी कैसन CS6 एक्शन कैमरा के साथ जो माइक अडाप्टर है, तो दोनों को मिला के जितना डिस्टेंस है मैं उतना डिस्टेंस में आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा माइक लगा हुआ है और अभी लगभग मैं 10 मीटर या 20 मीटर का कितना इसका लेंथ है आप लोगों को पता होगा, उतना डिस्टेंस में हूँ। और किस टाइप का साउंड क्वालिटी आ रहा है इस वीडियो में वो आप लोगों को पता लग रहा होगा दोस्तों। और इसका साउंड क्वालिटी बेटर लग रहा है या कैसन CS6 एक्शन कैमरा के साथ जो माइक आता है उसका साउंड क्वालिटी बेटर है, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा इस बोया BY-M1 माइक के साथ और इसका अडाप्टर यूज़ करके मैं एक मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। मोटो ब्लॉगिंग में देखना है कैसन का माइक का बेटर परफॉर्मेंस करता है या बोया BY-M1 का माइक बेटर परफॉर्मेंस करते, कौन सा ज़्यादा नॉइज़ कैंसिलेशन करता है, वो आप लोगों को थोड़ा चेक कराना था। मैं कोशिश करूँगा, पॉसिबल हो सकता है तो मैं वीडियो बना के डालूँगा, नहीं तो कैसन CS6 एक्शन कैमरा का जो माइक है उसका तो डालूँगा ही डालूँगा। बट इसका थोड़ा तार लंबा है, हेलमेट में माउंट हो जाएगा तो इतना सारे तार है ना दोस्तों, तो इसका हेलमेट में मतलब अच्छे से फिट हो जाएगा, तो मैं डेफिनेटली इसका वीडियो भी उसमें ऐड करूँगा दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और गाइस मेरा जो हेलमेट है उसमें मैंने कैमरा को माउंट कर लिया, कुछ इस प्रकार दिख रहा है मैं कैमरा को माउंट करने के बाद। और मैंने पहले सबसे जो पहले माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं इस कैमरा के साथ जो माइक अडाप्टर मिलता है उसके साथ मैं बोया BY-M1 माइक को टेस्ट कर रहा हूँ। और इस कैमरा के साथ जो कैसन CS6 एक्शन कैमरा कैमरा के साथ जो माइक मिलता है वो मैंने अभी रख दिया। और इस माइक को मैंने इतना बड़ा वायर है तो इसको मैंने यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा तार को इस पैड को ओपन करके मैंने डाल दिया है। और ये है माइक अडाप्टर लगा हुआ है और माइक को मैंने यहाँ पे रखा, देख सकते हो बिल्कुल सामने। और मेरे हेलमेट में इस साइड से और इस साइड से गैप है जो अंदर हवा जाने के लिए, तो इससे
इस साइड में रखेंगे, इस साइड में रखेंगे तो विंड नॉइज़ आ सकता है, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल यहाँ पे रखा। देख सकते हो, मैं ऐसे करके दिखाऊँ, बिल्कुल मेरा मुंह के सामने ही रहेगा जो माइक है। तो इस माइक में किस टाइप का साउंड क्वालिटी आएगा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। चलिए चलते हैं, मेरा हेलमेट में कैमरा फीड होकर रेडी हो चुका है, अब मुझे निकलना है इस माइक का साउंड क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। उसके बाद मैं रास्ते में इस माइक को ओपन करके इस माइक को लगा दूंगा, तो तब मैं दिखाऊंगा नहीं, तब मैं बता दूंगा जब मैं माइक इस माइक को चेंज करूंगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। हेलो गाइज, अभी ये जो वीडियो शूट हो रहा है कैनन CS6 एक्शन कैमरा से, और मैंने एक्सटर्नल माइक जो यूज किया है बोया BY-M1 माइक यूज कर रहा हूँ, और कैनन CS6 एक्शन कैमरा के साथ जो माइक अडाप्टर मिलता है उसी माइक अडाप्टर को टेस्ट करने के लिए मैंने बोया BY-M1 माइक को लगाया है हेलमेट के अंदर। तो किस प्रकार साउंड क्वालिटी आ रहा है इस वीडियो में वो आप लोगों को पता लग रहा होगा, कितना विंड नॉइज़ आ रहा है, क्योंकि मैंने हेलमेट का जो शीशा है वो ओपन करके रखा है दोस्तों। तो किस टाइप का साउंड क्वालिटी आ रहा है, और मैं लगभग 55 के स्पीड में चल रहा हूँ, तो आप लोगों को बेटर पता लग रहा होगा इस वीडियो में साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है, क्वालिटी किस प्रकार आ रहा है आप लोग को बेटर पता लग रहा होगा। और मैंने जो हेलमेट पहना हूँ उस हेलमेट का शीशा मैंने ओपन करके रखा है गाइज। अब मैंने शीशा, हेलमेट का शीशा जो है वो बंद कर दिया, अब किस प्रकार साउंड क्वालिटी आ रहा है और साउंड में किस टाइप का विंड नॉइज़ आ रहा है वो आप लोगों को पता लग रहा होगा। तो मैंने शीशा बंद करके भी वीडियो शूट कर रहा हूँ और शीशा ओपन करके भी दोनों साइड से, क्योंकि कितना विंड नॉइज़ आता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाना था। ओके फ्रेंड्स, बोया BY-M1 माइक से शूट वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस माइक को मैंने ओपन कर दिया, कैमरा से डिसकनेक्ट कर दिया, और अभी मैंने कैनन CS6 का जो ओरिजिनल कैमरा के साथ प्रोवाइड किया जाता है उस माइक को मैंने कनेक्ट किया है, और बिल्कुल बराबर बोया BY-M1 माइक जहाँ पे मैंने प्लेसमेंट किया था इसको भी मैंने वहीं पे प्लेसमेंट किया। और अभी किस प्रकार साउंड क्वालिटी आ रहा है इस वीडियो में, और मैंने अभी हेलमेट का शीशा जो है ओपन करके रखा है दोस्तों, और किस टाइप का विंड नॉइज़ आ रहा है और किस टाइप का इस वीडियो में विंड नॉइज़ आ रहा है आप लोगों को पता लग रहा होगा। अब मैं हेलमेट का शीशा जो है वो मैंने बंद कर दिया, और किस प्रकार साउंड क्वालिटी आ रहा है वीडियो में और कितना विंड नॉइज़ आ रहा है कैनन CS6 एक्शन कैमरा का जो माइक, उस माइक से। तो पर्टिकुलर इस वीडियो बनाने का मकसद है इस कैमरे के साथ जो माइक प्रोवाइड किया जाता है उस माइक का साउंड क्वालिटी कैसा है वो चेक कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है पता लग गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हेलो गाइज, मैंने दोबारा बोया BY-M1 माइक में शिफ्ट कर दिया, और तो आप लोगों को इस वीडियो में पता लग गया होगा कैनन CS6 एक्शन कैमरा के साथ जो माइक और माइक अडाप्टर मिलता है वो माइक को कैसे यूज करना है और माइक अडाप्टर को कैसे यूज करना है एक्सटर्नल माइक के साथ वो आप लोगों को पता लग गया होगा। और माइक अडाप्टर के साथ एक्सटर्नल माइक और कैनन CS का जो ओरिजिनल माइक है दोनों का साउंड क्वालिटी कैसा आता है वो भी आप लोगों को वीडियो में पता लग गया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और किसका साउंड क्वालिटी अच्छा है माइक अडाप्टर के साथ, बोया BY-M1 का साउंड क्वालिटी अच्छा है या कैनन CS6 एक्शन कैमरा का के साथ जो माइक मिलता है उसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, आप लोग कमेंट जरूर करें। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।